हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन टर्म्स को जो कि है मीटिंग कॉन्फ्रेंस सेमिनार सिंपोजियम वर्कशॉप एंड कॉलेजियम ठीक है तो आज इन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे एंड यस डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू वांट टू सी मोर ऑफ माई वीडियोज ठीक है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सो द फर्स्ट वन इज मीटिंग तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीटिंग क्या होता है अ मीटिंग इज एन इवेंट इन विच ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू डिस्कस थिंग्स और मेक डिसीजन तो मीटिंग बेसिकली क्या होता है इसमें क्या होता है ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है दे कम टुगेदर दे सेट टुगेदर जो ग्रुप ऑफ पीपल है इट कैन बी एनी ठीक है एनी नंबर तो जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो आते हैं बैठते हैं डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक पे एंड देन दे मेक डिसीजन सो दैट इज अ मीटिंग ठीक है सिम्पोजियम वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस आर टाइप्स ऑफ मीटिंग तो जो हमने करना है कि सिंपोजियम क्या होता है वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस क्या होता है तो ये सब जो है ये टाइप्स है मीटिंग के डन तो चलिए अब आगे देखते हैं सो द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्रेंस अब हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस क्या होती है ठीक है कॉन्फ्रेंस टू अ फॉर्मल मीटिंग तो सबसे पहली बार जो कॉन्फ्रेंस है ये एक फॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका एम क्या होता है डिस्कशन करना कंसल्ट करना प्रॉब्लम सॉल्व करना ऑन अ नंबर ऑफ टॉपिक्स बाय डेलीगेट्स ठीक है तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो डिस्कशन करते हैं ऑन नंबर ऑफ टॉपिक्स मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टॉपिक पर डिस्कशन की जाए इसमें एक से ज्यादा टॉपिक पर भी डिस्कशन की जाती है ठीक है इट कैन बी अकेडमिक कॉन्फ्रेंस बीस जो कॉन्फ्रेंस है कि अलग अलग टाइप्स की कॉन्फ्रेंस हो सकती है जैसे अकेडमिक कॉन्फ्रेंस बिजनेस कॉन्फ्रेंस पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस एंड पीस कॉन्फ्रेंस डन नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस कैन लास्ट फॉर सेवरल डेज इसका क्या मतलब है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही दिन तक कॉन्फ्रेंस चले इट कैन लास्ट फॉर सेवरल डेज मतलब एक से ज्यादा दिन तक भी चल सकती है लाइक दो दिन तीन दिन चार दिन तो ये एक दिन से ज्यादा भी चल सकती है कॉन्फ्रेंस ओके okay, सो so हमने क्या किया कॉन्फ्रेंस में क्या होता है क्या होती है ये एक फॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो डिस्कशन करते हैं और नंबर ऑफ टॉपिक्स ठीक है और ये इट कैन बी इट कैन बी एकेडमिक कॉन्फ्रेंस बिजनेस पेरेंट टीचर और पीस कॉन्फ्रेंस एंड इट कैन लास्ट फॉर सेवरल डेज आई होप समझ में आए आपको कॉन्फ्रेंस क्या होती है एंड नाउ नेक्स्ट वन इज सिम्पोजियम कि सिंपोजियम क्या होता है तो सिम्पोजियम को हम स्मॉल स्केल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं नंबर ऑफ डेलीगेट्स स्मॉलर तो सिंपोजियम को स्मॉल स्केल कॉन्फ्रेंस क्यों कहा जाता है जो होते हैं, वो कम होते हैं एज कंपेयर टू कॉन्फ्रेंस ठीक है जितने कॉन्फ्रेंस में होते हैं उससे कम होते हैं सिम्पोजियम में इसलिए इट इज अ स्मॉल स्केल कॉन्फ्रेंस इट इज ऑल्सो फॉर्मल मीटिंग इन एन अकेडमिक एक्सपर्ट्स इन द फील्ड एंड डिस्कशन और क्या होता है ये भी एक तरह से फॉर्मल मीटिंग होती है जैसे कॉन्फ्रेंस होती है लेकिन इसमें क्या होता है जो पार्टिसिपेट करते हैं जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं मतलब वो स्पेशलिस्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड में ठीक तो है इसमें क्या होता है और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लिया जाता है जैसे कि हमने कॉन्फ्रेंस में करा कि एक से ज़्यादा टॉपिक की भी डिस्कशन होती है इसमें ऐसा नहीं होता इसमें, इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक को लिया जाता है उस पर डिस्कशन की जाती है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने अपने व्यू पॉइंट्स अपने अपने ओपिनियंस देते हैं ठीक है इट इज स्पेशली वन इन विच द पार्टिसिपेंट्स फॉर्म एन ऑडियंस एंड मेक प्रेजेंटेशन तो मतलब क्या इस पॉइंट का कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं मतलब जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही ऑडियंस होते हैं और वही प्रजेंटेशंस uh, भी बनाते हैं डन The chief characteristics of symposium is that it covers a single topic or subject and all the lectures given by experts are completed in a single day. और क्या लिखा है जैसे मैंने कहा symposium में क्या होता है एक सिंगल टॉपिक को लिया जाता है उस पर डिस्कशन होती है ठीक है तो सेम थिंग इसमें लिखा है सिंपोजियम में क्या होता है इट कवर्स अ सिंगल टॉपिक और सब्जेक्ट और एंड ऑल द लेक्चर्स गिवन बाय एक्सपोर्ट्स और जितने जो भी वो लेक्चर देते हैं जो भी सिंपोजियम जो होती है बेसिकली वो एक दिन के लिए होती है ठीक है इट कैन बी कंप्लीटेड इन अ सो आई होप समझ में सिम्पोजियम क्या होता है एक बार हम वापस से इसको रिवाइज करते हैं सिम्पोजियम क्या होता है ये स्मॉल स्केल कॉन्फ्रेंस होती है वाई बिकॉज इसमें नंबर ऑफ़ डेलीगेट्स जो होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू कॉन्फ्रेंस एंड सेकंडली ये एक फॉर्मल मीटिंग होती है और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी अपनी फील्ड्स में ठीक है और वो क्या करते हैं अपने अपने ओपिनियंस और व्यू पॉइंट्स देते हैं जिस टॉपिक पे वो डिस्कशन करते हैं और इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक पे डिस्कशन की जाती है और ये एक दिन के लिए होती है ठीक है समझ में आ गया आपको सिम्पोजियम क्या होता है सुनाओ लेट्स मूव टू सेमिनार ठीक है अब हम देखते हैं कि सेमिनार क्या होता है सेमिनार इज अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस दट ब्रिंग टुगेदर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ़ पीपल से फाइव टू टेन टू लर्न अबाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो सेम थिंग्स सेमिनार में भी होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन की जाती है लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेंट्स का साइज़ होता है ठीक है वो कम होता है मतलब पाँच से दस पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और बेसिकली इसमें कम पार्टिसिपेंट्स इसलिए भी इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज इसमें स्पेशल इन्विटेशन दिया जाता है जो जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको स्पेशल इन्विटेशन दिया जाता है ठीक है इट कैन बी कंडक्टेड ऑन रेगुलर और रेकरिंग और रेगुलर बेसिस मंथली और इवन वीकली तो जो सेमिनार होता है ठीक है ये रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है या तो मंथली हो सकता है वीकली कैसे भी हो सकता है सेमिनार टेंस टू बी हेल्थ इन विद इन वन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ तो ज़्यादातर ये जो सेमिनार्ज होते हैं यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करते हैं ठीक है और रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किए जाते हैं मतलब मंथली एंड वीकली कंडक्ट किए जाते हैं पर्टिकुलर so, सब्जेक्ट लिया जाता है जिसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ठीक है थीके? वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मतलब अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं ठीक है उस टॉपिक के रिगार्डिंग सो यही है सेमिनार सो ना नेक्स्ट वन इज वर्कशॉप ठीक है अब हम देखते हैं कि वर्कशॉप क्या होती है तो वर्कशॉप टेन टू बी स्मॉलर एंड मोर इंटेंस देन सेमिनार्स दिस फॉर मैट इन्वॉल्व स्टूडेंट प्रैक्टिसिंग द न्यू स्किल्स ड्यूरिंग द इवेंट अंडर द वॉचफुल आई वॉच इंस्ट्रक्टर ठीक है तो इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ कि वर्कशॉप क्या होता है वर्कशॉप में क्या करते हैं आप प्रैक्टिकली चीजों को सीखते हैं ठीक है जैसे अभी आपने देखा कि सेमिनार कॉन्फ्रेंस ये सब आपने पढ़ा उसमें क्या किया जाता था आप टॉपिक्स पे डिस्कशन करते थे लेकिन वो जो टॉपिक्स होते थे वो थियोटिकल होते थे ठीक है थियोरी पे ज्यादा फोकस किया जाता था लेकिन वर्कशॉप में क्या होता है प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस करते हो ठीक है इट एम्फरसाइजेज ऑन हैंड ऑन प्रैक्टिस और लेबोरेटरी वर्क तो जैसे ये लिखा है कि किस पे एम्फरसाइज करता है हैंड ऑन प्रैक्टिस पे वर्क करता है या फिर लेबोरेटरी वर्क पे एम्फरसाइज करता है एंड इट कैन हैपन फॉर अ डे और अ टू डे लॉन्ग तो ये एक दिन या दो दिन तक हो सकती है ठीक है इन दिस पार्टिसिपेंट्स लर्न न्यू स्किल्स तो इसमें क्या होता है जो पार्टिसिपेट करते, करते, करते हैं वो न्यू स्किल्स डेवलप करते हैं न्यू स्किल्स लर्न करते हैं एंड देन फेमिलियइज विद समथिंग न्यू और किसी नई नई चीजों को के साथ वो मतलब अपने आप को फेमिलियर करते हैं ठीक है तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखने की वर्कशॉप में क्या होता है आप प्रैक्टिकली वर्क को करते हो और राइट सो चलिए मूव करते हैं एंड नेक्स्ट वन इज कलिकम ठीक है अब हम देखते हैं कॉलेक्म क्या होता है कॉलेज किम इज़ यूजली अकेडमिक मीटिंग एट विच स्पेश डिलीवर एड्रेस ऑन अ टॉपिक और एन रिलेटेड टॉपिक एंड आंसर्स क्वेश्चन रिलेटेड टू दैर तो इन शॉर्ट देखो कॉलेज में क्या होता है ये एक अकेडमिक मीटिंग होती है जिसमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर लेक्चर डिलीवर करते हैं ठीक है जब वो लेक्चर डिलीवर कर देते हैं फिर जो ऑडियंस बैठी होती है ठीक है वो क्या करते हैं अपने अपने क्वेश्चन पुट करते हैं अपने अपने डाउट्स पूछते हैं उनसे एंड देन जो स्पेशलिस्ट है फिर वो क्या करते हैं उन क्वेश्चन का आंसर देता है सो दैट इज कॉलिक्यम और इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेक्चर तो इन शॉर्ट आप क्या होता है इसमें एक सिंगल लेक्चर को डिलीवर किया जाता है बाय अ मेंबर मेंबर ऑफ ऑफ अ द एकेडमिक कम्युनिटी जो कि एक एक्सपर्ट होता है देन आई होप समझ में आ गया आपको ये सारी टर्म्स सो दैट्स इट